हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ाए थे चार नियम। ठीक है, बस बताए थे। ठीक है, उसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाश की किरण ठीक है मुख्य अक्ष के ना मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यदि कोई प्रकाश की किरण ठीक है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेकेंड नियम, इसको नोट कर लीजिए। मैं फिगर बना के कल समझाया था। ठीक है, इसका फिगर प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे। ठीक है, नहीं तो और के बना ही देते हैं छोटा सा। देखिए, इसे मान लीजिए कि ये है ना, ये आपका मुख्य फोकस है, ये एक पैरेलल लाइन आई ना, मुख्य अक्ष के समांतर लाइन जा रही है। ठीक, टकराने के पश्चात क्या करती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। ठीक है ना, अच्छा इसको मिटा देते हैं। पहला नियम हो गया ना, सेकंड नियम क्या बोलता है, ये निर्माण से संबंधित नियम है। ये दूसरा दूसरा बोलता है कि यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो ना बच्चों दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक बच्चों, तो दूसरा नियम क्या है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका फिगर देखो बच्चों क्या बनाए थे हम। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अवतल दर्पण है ना, अगर के कोई प्रकाश की किरण ये फोकस है मान लीजिए आपका, ठीक, तो मुख्य फोकस से होके कोई प्रकाश की किरण जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होके कोई प्रकाश की किरण जाएगी ठीक बच्चों, तो टकराने के पश्चात क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी ना बच्चों। देखो ये लाइट आई, अच्छा ऐसे थोड़ा सा अलग पेन इस केस से बनाते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। ये लाइट आई थी ना, मुख्य फोकस से होके आई ना, ठीक, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चली जाएगी ना। सेकेंड नियम हो गया। ठीक, थर्ड नियम क्या होगा, नोट कर लीजिएगा इसे, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, देखिए अब इसके बाद क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण
ना, यदि कोई प्रकाश की किरण ना वक्रता केंद्र से, कहाँ से, वक्रता केंद्र से, होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, पुनः ना उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ना बच्चों, ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसका फिगर बनाओगे तो देखो, मैं कल भी बनाया था, आज भी बना देता हूँ, ये ऐसा फिगर है, ठीक है। अच्छा, क्या है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से लाइट आई, ठीक होके गई, और जाने के बाद क्या करती है कि जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है, जिस मार्ग गई उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाएगी। न बच्चों, ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चौथा नियम बता देते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में कमेंट में कुछ बच्चे लिखे थे कि सर दर्पण क्या होता है ना, ठीक है। तो हम चौथा नियम बताने के बाद एक बार फिर से दर्पण के बारे में बताते हैं, दर्पण क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार की फायदे के फायदे क्वेश्चन पूछा कीजिए, हम बताएंगे आपको, ठीक है। और आपके हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक। देखो बच्चों, फोर्थ नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण ठीक है, पोल पे गिरती है ना, दर्पण ध्रुव पे, क्या बोलेंगे, दर्पण ध्रुव पर गिरती है तो परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तित हो जाती है, ठीक बच्चों। यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण ध्रुव पर गिरती है तो दर्पण से दर्पण के परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है। देखिए फिगर, जैसे कि ये है आपका अवतल दर्पण ना, और ये है आपका पोल, ठीक है। पोल पे कोई लाइट गिरी ना, मान लीजिए पोल पे एक लाइट गिर रही है, ठीक, यू गिरी ना, गिरी, और परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये हो गए आपके चार नियम, ठीक है, गोले दर्पण के निर्माण के, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोई कमेंट में पूछा था कि दर्पण क्या होता है, तो दर्पण देखो क्या होता है, दर्पण, ठीक है, जैसे कि कोई भी कांच का है ना, कोई भी कांच का, मान लो कोई प्लेन है या फिर कोई भी पृष्ठ है, उसके एक एक भाग पे क्या कर दे, एक पृष्ठ पे कलई कर दिया जाए लाल ऑक्साइड, या फिर किसी पेंट से ना, या फिर सिल्वर से,
तो एक भाग परावर्तक हो जाता है, एक भाग क्या हो जाता है, मतलब कलई कलई हो जाता है। तो ऐसे मतलब ऐसे को क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण दो तरीके का होता है ना बच्चों, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है क्या, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के कोई प्रकार नहीं होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है बच्चों, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो कि प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हम सबका डिफिनेशन बताए हैं। और किसी को दर्पण के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, दर्पण दर्पण दो प्रकार होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अच्छा हम गोली दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है उसके नियम आप पढ़ेंगे, उसके पहले हम मुख्य फोकस का डिफिनीशन नहीं लिखे थे, हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि अभी हम मुख्य फोकस का डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, और वो लॉजिक था हमारा ये चार नियम बताना ना। उस नियम के तहत हमको ये पता चला कि कोई भी लाइट अगर के ना मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक, यदि कोई भी लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन की पश्चात कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। अब कोई बोलेगा कि मुख्य फोकस होता क्या है, तो उसको देख लीजिए, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, तो ये इसका डिफिनेशन देना हो तो हम क्या दे सकते हैं, देखिए यदि ऐसा लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक, परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, या तो मिलती प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ओके बच्चों, समझ आया ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मैं फिगर बना के आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अवतल दर्पण है आपका ना, आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है ना बच्चों। अगर कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये आपका मुख्य अक्ष है ना, जो कि पोल से होके जाता है मुख्य अक्ष ना बच्चों। मान लीजिए बहुत सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं ना, तो क्या नियम के अनुसार जिस बिंदु से समांतर किरण क्या होते हैं, एक बिंदु पर टकराएंगी नियम के अनुसार, ठीक, सारी की सारी किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य फोकस बोलते हैं ना।
ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। न बच्चों, फोकस दूरी, अब क्या पढ़ाएंगे हम, फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी का सिंपल सा डिफिनीशन है बच्चों, फोकस दूरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों, इंग्लिश बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, मुख्य फोकस ना, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा, मुख्य फोकस तथा दर्पण ध्रुव, दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी को, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या है कि मुख्य फोकस तथा दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जैसे देखिए फिगर बना देते हैं हम, ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका पोल ना ध्रुव, और ये आपका फोकस, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं आपको, ये हुआ, ये आपका क्या है, फोकस दूरी। इसे F से दिखाते हैं ना, नीचे लिख लीजिए, इसे F, स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। अच्छा, हम बहुत जल्दी में ये आपको मतलब यूज़ नहीं है इसका, लेकिन हम बता देते हैं कि मतलब इमेज बनने के कितने कितने केस होते हैं ना, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ इमेज बनता है, ठीक, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम ना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो पहला देखो बच्चों, पहला कहता है क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट ना, या फिर जब कोई वस्तु, क्या कहता है कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है ना, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है और बिंदु आकार का बनता है ना, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये फोकस पे है, मतलब अनंत पे है, ठीक है, ये अनंत पे है, ठीक। तो इसके नियम के अनुसार क्या है कि इससे कोई भी लाइट अगर कि इसके पैरेलल पास करेंगी ना, मुख्य अक्ष के पैरेलल पास करेंगी, समांतर पास करेंगी, तो कहाँ से होके जाएंगे बच्चों, फोकस से होके जाएंगी ना। तो प्रतिबिंब का जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे ना कि यद्यपि पढ़े थे कि यदि किसी बिंदु से ना, किसी बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें अगर किसी दूसरे बिंदु पे मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक किरण गई, ठीक, टकराने के पश्चात ये दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस से मिल रही हैं, तो यहीं पर आपका क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एकदम बिंदु आकार का बन रहा है ना, ठीक है। तो पहला नियम यही कहता है, ठीक। और दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र व वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा उल्टा तथा आभासी नहीं वास्तविक बनता है, ठीक। क्या कह रहे हैं, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र व आनंद के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा उल्टा तथा वास्तविक बनता है ना। बच्चों देखो इसका फिगर में बना देता हूँ, ठीक है। फिगर देखिए, ये अवतल दर्पण हुआ, ठीक है। अब हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। यह आपका वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है, ये वक्रता केंद्र, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, देखते हैं इसका प्रतिबिंब क्या बनता है। एक लाइट में पास कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना, तो मैंने नियम बता दिया हूँ कि अगर की कोई भी लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक बच्चों ना। अच्छा एक और कर देते हैं कि बोले हैं कि कोई भी लाइट अगर के दर्पण के पोल पे गिरेगी ना, तो परावर्तन लॉ के अनुसार क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी ना। देखिए ये दोनों एक ही बिंदु से दो किरणें गई, और दोनों किसी अन्य बिंदु पे जाके मिली ना, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब क्या हो गया, ये बिंदु। ऐसे हजारों लाइटें आएंगी और पड़ेंगी तो इसका पूरा शेप बन जाएगा ना, तो आपका देखिए ये बन गया प्रतिबिंब ना। तो इस पॉइंट से जहाँ इस पॉइंट की लाइटें जहाँ मिलेंगी उसका प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो ये तीर वाली कहाँ है, यहाँ मिल रही है ना, तो यहाँ बनेगा, ठीक। तो ये तुम्हारा ए बी ऑब्जेक्ट था, ठीक। ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया ना। तो कैसा बना, थोड़ा सा हमको बनाने में थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, वैसे दिख रहा होगा छोटा छोटा थोड़ा सा, ठीक ना। तो क्या है कि वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे छोटा आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है बच्चों। दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस क्या है कि यदि कोई वस्तु ना वक्रता केंद्र पे हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है ना। देखिए कैसे होता है वो, एक बार लिख देते हैं उसको भी। थर्ड नियम देखिए, थर्ड केस, ठीक है। ये क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना,
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, क्या है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। देखिए फिगर, जैसे कि आपका ये अवतल दर्पण है ना, ठीक, और ये आपका मुख्य अक्ष है ना, ये आपका फोकस हो गया, ठीक, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया ना। देखिए ये अर्क, इसके हिसाब से मेजरमेंट सही रहेगा तभी हम लोग का फिगर में सही सही हम लोग का इमेज बन पाएगा ना। इसके लिए ताकि हमसे गलती ना हो हम फिगर अच्छे से बना देते हैं। देखिए इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है, कहाँ पे फोकस होना चाहिए ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये दर्पण है ना, तो यहाँ से हमको आइडिया लग जाएगा कि इसका वक्रता केंद्र बिल्कुल यहीं पे होगा, ठीक, इसी की आधी दूरी पे आपका फोकस होगा ना, ठीक। तो कोई भी अगर कि लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से एक लाइट गई, ठीक है, और परावर्तन के पास कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक बच्चों ना। और एक लाइट को हम पोल पे गिरा दें जब, ठीक, पोल पे गिरा दें, ठीक, तो परावर्तन के नियम के हिसाब से ही ये क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका बन गया क्या, इमेज। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक बच्चों ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बन जाएगा और उल्टा बनेगा, ठीक, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा ना, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये आपका था थर्ड केस। फोर्थ केस क्या कहता है, फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस कहता है कि यदि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस व उसका प्रतिबिंब कहाँ पे, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ही बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच वस्तु से बड़ा उल्टा वह वास्तविक बनता है। ठीक बच्चों ना, तो फिगर देखिए जैसे में कि ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक, अच्छा, ये आपका केंद्र हो गया,
ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट पास कराते हैं, सॉरी रुकिए, हमको ऑब्जेक्ट भी रखना है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक। एक लाइट पास करेंगे ऐसे, ठीक, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी ना। एक लाइट पास कराते हैं हम पोल से, ठीक, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से होके जाएगी बच्चों, ऐसे जाएगी, देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं ना, ठीक। तो ये कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है ना, ठीक, और उल्टा। तो ए बी ऑब्जेक्ट था, ठीक, ये बन गया तुम्हारा ए डैश बी डैश, ठीक। तो क्या है, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र के अवतल, वक्रता केंद्र वो फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच वस्तु से बड़ा, देखो वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो वास्तविक मतलब क्या बताए थे हम, कि जैसा मतलब वास्तविक मतलब क्या होता है कि रियलिटी में कोई लाइट रे मिलती है ना, ठीक है। तो देखो मिल रही है ना, डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन रहता है तो क्या रियलिटी में नहीं मिलती है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद फोर्थ केस क्या कहता है, फोर्थ केस देखिए, चलिए फोर्थ केस कहता है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पे रखी जाए, ठीक है, तो फोकस पे रखी जाएंगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा ना, ठीक। देखो कैसे लिख देते हैं, पहले क्या है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है ना बच्चों, ठीक। अच्छा, अनंत भी बनता है और क्या बनता है, वास्तविक भी बनता है ना, अनंत पर बनता है तो अनंत भी बनता है, तो वहाँ पे वास्तविक क्या है, ये सब तो वास्तविक बनता करता है और वस्तु से खूब बड़ा बनेगा, अगर अनंत पे बनना तो बड़ा ही बनेगा ना, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बोलना क्या अनंत पे बनता है। फिगर देख लो आप लोग, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका, ठीक है, ये है आपका ना, तो ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका एफ ना। तो देखो यद्यपि क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो ना, फोकस पे रख देते हैं ना। तो नियम के अनुसार बताओ, यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से हो के जाएगी ना, पक्की बात, ठीक। देखिए, और यद्यपि कोई लाइट यहीं से ना दर्पण ध्रुव पी पे गिरे ना, दर्पण ध्रुव पी पे गिरे तो क्या होगा, देखो यू जाएगी ना। तो ये दोनों आपस में एक्चुअली देखने को क्या मिलता है कि ये दोनों कहीं आपस में मिलती ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि अनंत पे मिलती होंगी ना, तो अनंत पे बना होगा प्रतिबिंब, ठीक, हमसे क्या मतलब। तो क्या यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना बच्चो। अच्छा, एक केस और है इसका, ये कौन सा केस था, पांचवा केस था, ठीक। छठा केस क्या है इसमें, कि यदि कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में, मतलब फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में रखी जाए तो कैसा बनेगा ना, देखो ये भी देख लो, देखो यदि
कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस व दर्पण ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सीधा हुआ आभासी बनता है। ठीक बच्चों, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस व दर्पण ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब ठीक दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा सीधा व आभासी बनता है। ठीक है, इसका फिगर बना देते हैं। देखिए फिगर इसका, इसे मान लीजिए आपका है क्या दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, और ठीक ये आपका मुख्य फोकस हो गया है, यह आपका पोल हो गया ना। अब देखिए यदि किसी वस्तु को यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ इसका आप एफ हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दे रहे हैं कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है ना, रख दिए। ठीक, देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ से ऐसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गई, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी, पक्की बात ना। और क्या कि एक लाइट पोल भी गिरा दीजिए तो क्या ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। ठीक, ऐसे आई ऐसे चली जाएगी। तो ये देखो इधर तो कहीं नहीं मिल रही हैं, लेकिन ना इधर कहीं मिलने की संभावना है। ठीक, इधर कहीं मिलने की संभावना है ना। देखो इधर तो लाइट जा नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि उधर से आ रही है ना, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये प्रतिबिंब तुम्हारा क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। डिफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। यह आपका छठा केस था। ठीक है, यह आपका कैसा केस था, छठा केस था। क्या कि जब कोई वस्तु ना अवतल दर्पण के सामने फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सीधा व आभासी बनता है। देखो सीधा भी है, ठीक, वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना तो बड़ा भी है ना। ठीक है, तो ये आपके छः केस थे। और हम इसी हाथ लगे उत्तल दर्पण के दो केस होते हैं उसको भी बता देते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, और आप लोग नोट्स के लिए बोल रहे हैं पीडीएफ में, तो आपके पास नोट्स जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है ना, नोट्स आपको जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा। देखिए अब हम लिखिए उत्तल दर्पण से ना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। ठीक है, तो अवतल दर्पण में कितने केस थे, छः केस थे ना, लेकिन इसमें दो ही केस बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला केस है यदि उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर, कहाँ अनंत पर कोई वस्तु रखी जाए तो
उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, कहाँ मुख्य फोकस पर बिंदुवत तथा आभासी बनता है ना बच्चों। इसको समझो जरा, क्या करें, यदि उत्तल दर्पण के सामने आनंद पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदुवत तथा आभासी बनता है ना। देखिए जैसे आपका दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा हमको लगता है ज़्यादा, देखो रेड पेन से बनाते हैं तो देखिएगा। देखिए ये आपका है ठीक, ये आपका हम मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण है ठीक, तो नीचे कलई किया रहा होगा ना, ये आपका फोकस हो जाएगा और ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा सर, ये आपका क्या वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि कोई वस्तु इधर कहीं आनंद पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ना ठीक। देखो यहाँ से एक लाइट जाएगी ना, गई यहाँ से भी एक लाइट गई ठीक, ये जहाँ मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा ना। अच्छा देखो टकराने के पश्चात कहाँ ये मतलब ऐसे टकराएगी, इधर को टकराएगी और लगेगा कि इधर की तरफ आ रही है ना, इसे भी यहाँ भी क्या ऐसे टकराएंगी कि चले जाएंगे वापस इस प्रकार से ना, और ये आपका फोकस पे मिलती हुई क्या हो जाएंगी प्रतीत हो जाएंगी ना। तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि फोकस पे मिल रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं ना। तो कोई भी वस्तु क्या आनंद पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, बिंदुत बन रहा है, आभासी बन रहा है ना बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड वाला जो वो बता देते हैं, चलिए देखिए अच्छा बच्चों इसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा होगा इसका कि जब कोई वस्तु ना, जब कोई वस्तु अनंत ना, जब कोई वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव, कहाँ पे बच्चा दर्पण ध्रुव के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस व दर्पण ध्रुव के बीच आभासी अत्यंत छोटा व सीधा बनता है ना बच्चों। क्या है, जब कोई वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में रखते हैं, ये किसके लिए है, उत्तल दर्पण में ना, ये नहीं कि मतलब उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में आभासी और अत्यंत छोटा और सीधा बनता है। फिगर देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि हम एक बना दे रहे हैं उत्तल दर्पण ठीक है, इसके अंदर के भाग पे कलई कर देते हैं ठीक, ये आपका बन गया क्या, मेरा बन गया ये आपका क्या मुख्य फोकस
सॉरी दर्पण ध्रुव है, ठीक। ये यहाँ पे आपका हो गया क्या वक्रता केंद्र, यहाँ पे हो गया आपका क्या मुख्य फोकस ना, ठीक। तो देखो दर्पण के सामने ना, ये क्या अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दे रहे हैं, ठीक। कहाँ पे अनंत और पोल के बीच में, कहीं भी अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए, ठीक। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, ठीक। टकराने के पश्चात क्या करेगी, ऐसे तो टकराएगी तो ऐसे चली जाएगी ना, ठीक है। और फिर ऐसा लगेगा कि कहाँ से होके जा रही है, ऐसे टकरा के जाएगी, ठीक है। ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होके जा रही है ना, ठीक। और एक लाइट को हम कहाँ गिरा देते हैं, पोल पे गिरा दें, पोल पे गिरा देते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, ठीक। परावर्तन के नियम से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा लगेगा कि इधर कहीं से, ऐसा लगेगा क्या इधर कहीं से आ रही है, ठीक। ये कहाँ बना, लगभग यहाँ बना, ठीक है, लगभग यहाँ बना ना। तो ये देखो तुम्हारा क्या था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और इतना बड़ा आपका इमेज बना ना, ए बी, ठीक। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा बना, तो क्या है कि जब कोई वस्तु अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव, मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच में बनता है, आभासी अत्यंत छोटा व सीधा बनता है। इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है ना, साइड मिरर में जब कोई वाहन चलाते हैं तो साइड मिरर में इसका यूज करते हैं, ताकि उसके सामने की पीछे की सारी चीज़ें, ठीक है, छोटे से उस शीशे में आ जाए, बहुत डिस्टेंस एरिया की चीज़ें दिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है आपकी, अच्छा एक चीज़ और बता के हम इस क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए, और आगे की चीज़ जो दर्पण सूत्र हैं उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, हम उसको पूरा करके ही जाते हैं आज, ठीक है। उसको हम इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बात बहुत अच्छी वाली बताने जा रहे हैं, वो ये है, इसे मान लीजिए कोई भी दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण ले लेते हैं हम लोग ना, ठीक, अवतल दर्पण ले लेते हैं, ना ये अवतल दर्पण है आपका, ठीक। तो चिन्ह परिपाटी का नियम हम बताना चाह रहे थे, चिन्ह परिपाटी का नियम। देखिए क्या होता है कि मुख्य अक्ष के ना, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर किसी भी डिस्टेंस को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ना, मुख्य अक्ष के लंबवत की ना ऊपर की तरफ की लंबवत, मतलब लंबवत हो, ऊर्ध्वाधर हो तथा ऊपर हो ना, ऊपर की सारे डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक। और मुख्य अक्ष के लंबवत ही नीचे की ना, नीचे की तरफ, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ के सारे डिस्टेंस को क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे ना, ठीक है बच्चों। और देखो ध्यान से देखना एक बात और है, जिधर को लाइट आएगी ना, जिधर से लाइट आएगी ना, देखो ये दर्पण है, ठीक, परावर्तक तल इधर ही है, तो लाइट क्या करेगी, इधर से आएगी ना, तो जिधर से लाइट आएगी उधर की साइन को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक। ऐसे किसके लिए, से मान लीजिए पोल है ना, तो पोल से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो पोल की इधर की एक ये बाउंड्री हो गई, एक ये बाउंड्री हो गई ना, ठीक, जैसे एक्स वाई होता है भाई, एक्स वाई एक्सिस में, ठीक। जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस ना, तो इधर को क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर को क्या होता है, निगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस में इधर निगेटिव होता है ना, इधर पॉजिटिव होता है, इसके लिए इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, सेम वही केस है, लेकिन बस क्या है, बस हम लोग दर्पण के तरीके समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी दूरियों क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे की सारी दूरियों क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और उसी प्रकार से जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब इधर वाली दूरियों को सारे क्या, निगेटिव लेंगे, इधर वालों को
पॉजिटिव लेंगे। तो इसको एक अच्छा तरीका है याद करना, जिधर से लाइट आएगी उधर को निगेटिव लेंगे, जिधर को जाएगी उधर को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जिधर से आएगी ना, जिधर इधर से आ रही है, ये आपका मिरर है, मिरर के इधर से लाइट आएगी जब भी आएगी तो, ठीक। जिधर के से आएगी उधर को निगेटिव, जिधर को जाएगी जिधर का उसका डायरेक्शन रहेगा उधर को पॉजिटिव लेंगे ना बच्चों। ये तुम्हारा था चिन्ह परिपाटी का नियम, ठीक। इसको अच्छे से रट लेना और इन सब के बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, कल मतलब अगले आने वाले लेक्चर में हम मिरर फार्मूले को, दर्पण सूत्र को प्रूव करेंगे। और हमको प्रूव क्या करना रहेगा, एक ये प्रूव करेंगे f इक्वल टू r बाई टू आर, आर इक्वल टू टू एफ, एक ये फार्मूला प्रूव करेंगे हम। और एक ये प्रूव करेंगे कि 1 अपन f इक्वल टू 1 अपन v प्लस में 1 अपन u, ठीक। एकदम अच्छे से इसको जितना पढ़ाए हैं एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर देख लेना, ताकि जब हम इसको प्रूव करें ना तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। वैसे हम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में आए, ठीक। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।